हेलो दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक की। आप देखिए 2% से ज्यादा की ग्रोथ आई थी इस हफ्ते में, काफी बढ़िया रैली आई है। जैसा हमें उम्मीद भी थी कि ये हफ्ता हमारा काफी पॉजिटिव रहने वाला है। और अगर आप लास्ट सैटरडे की वीडियो भी देखेंगे हमारे, तो हमने कहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अच्छे दिन आने वाले हैं। और इस हफ्ते में आप देखिए कि 70 रुपए का स्टॉक था, 75 रुपए तक गया है, तो ठीक ठाक एक रैली आप मान सकते हैं कि यहाँ पर आई है। बहुत सारे लोगों को लॉस धीरे धीरे करके अब रिकवर होना स्टार्ट हुआ है। बात करेंगे इस वीडियो में कि नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है हमारा, क्या कुछ बड़ी खबरें आई हैं। आप देखिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है यहाँ पर, साथ ही साथ यस सिक्योरिटीज की तरफ से एक छोटा सा टारगेट आया है। मैं छोटा सा इसलिए कहूंगा क्योंकि बढ़ते हुए स्टॉक को देख करके इतना छोटा टारगेट देना यस बैंक वालों का ही काम हो सकता है। उनका खुद का स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, ऊपर से वो इतने छोटे टारगेट दे रहे हैं, मानो इंट्राडे का ये वीकली टारगेट वो दे रहे हो। तो उस टारगेट की भी बात करेंगे हम यहाँ पर कि क्या टारगेट ये सिक्योरिटीज की तरफ से आता है और क्या यहाँ पर खरीदारी करने का एक डिसीजन हो सकता है। अगर खरीदारी करते हो तो कितना बाय करना है, कब बाय करना है, कितना पैसा यहाँ पर लगा के और कितना टारगेट आप यहाँ पर कर सकते हैं, फॉर शॉर्ट टर्म फॉर लॉन्ग टर्म दोनों की बात करेंगे हम यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। एंड यस वन मोर थिंग, आपको डिस्क्रिप्शन में एक और बुक का लिंक दिया है हमने, हाउ टू अवॉइड लॉसेस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट। दोनों में मिल जाएगी, वो हिंदी में भी मिल जाएगी, वो किताब इंग्लिश में भी मिल जाएगी, ऊपर नीचे लिंक है दोनों के। जाइए उस किताब को बाय कीजिए, कोई प्रमोशन नहीं है अगेन, ना ही कोई पैसा मिलने वाला है, जस्ट अ बुक रिकमेंडेशन। मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो हमारे व्यूवर्स है वो बुक पढ़ें, थोड़ा सा सीखें। अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में अभी भी काफी कुछ रह गया है और वीडियोस को देख के आपको काफी कुछ समझ में नहीं आता है, तो प्लीज गो अहेड, आप उस किताब को पढ़िए, बहुत कुछ सीखेंगे कि बाय कब करना होता है, सेल कब करना होता है, स्टॉक को कैसे चूज करें कि कौन सा बाय करना है, कितने दिनों के लिए बाय करना है, वो सारी चीजें आपको इस किताब से सीखने को मिलेंगी। तो अगर आपको लगता है आपको सीखने की जरूरत है तो प्लीज गो अहेड बाय दैट बुक। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर इस तरह के और स्टॉक्स के बारे में जानने को मिल जाता है आपको आता है, तो कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक एनालिसिस की तरफ। ठीक है, तो एक वीक का अगर हम चार्ट देखें तो एक वीक का चार्ट हमें काफी ठीक ठाक दिखाई देता है, यहाँ पर कोई बुरा चार्ट नहीं है। आप देखेंगे तो यहाँ पर मंडे से अगर हम स्टार्ट करें तो ट्यूजडे से स्टार्ट कर 72 रुपीज का हमारा स्टॉक था, उसके बाद काफी बढ़िया 75 रुपीज तक गया है, तो ठीक ठाक रैली यहाँ पर आई है। बाजार में भी एक अच्छी रिकवरी आई है। देखिए बाजार में भी जैसा हमें उम्मीद थी कि बाजार इस वीक हमारा रिकवर करने वाला है, काफी छोटा हफ्ता था। आप देखिए 2 से 3 दिन हमारी ट्रेडिंग कुल हुई है और उसके बावजूद भी यहाँ पर 2 दिन ग्रीन जोन रहा है और 1 दिन लाल निशान के हमारा स्टॉक मार्केट बंद हुआ था। उस दिन भी लगभग 1% के आसपास की निफ्टी 50 में गिरावट थी और उसके अगले दिन यानी कि कल की बात करें तो 1.2% से ज्यादा की यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। तो एक अच्छी रिकवरी इस हफ्ते में आई है और अप्रैल का महीने में यही उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल का महीना जो रहने वाला है वो काफी बुलिश रहने वाला है हमारा। अब देखेंगे तो यहाँ पर लगातार अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हो, चाहे 1 अप्रैल से जो हमारा वैक्सीनेशन का काम था वो स्टार्ट होना हो, चाहे क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर के हो, चाहे स्विस कैनाल से वो शिप हटने की खबर हो, लगभग खबरें यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड हो चाहे इंडियन मार्केट से रिलेटेड हो, काफी बढ़िया खबरें आना शुरू हो गई है। साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न काफी बढ़िया दिखाई देता है, हमें स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न दिखाई देखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ पर वीकली चार्ट के साथ साथ डेली चार्ट भी देखोगे तो वो भी हमारा बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, जो एक ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ पर अगर आप देखो तो मैकडी में एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इस लेवल पर हमें मैकडी हमारा बुलिश क्रॉसओवर में आ चुका है, यानी कि इस लेवल पर अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय करना चाहता है, यानी कि 1 से 2 हफ्ते के लिए अगर कोई बाय करना चाहता है, कोई स्टॉक ढूंढ रहा है कि 1 से 2 हफ्ते में 5 से 10% का प्रॉफिट बना लो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा स्टॉक, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और वॉच लिस्ट में डालिए, एनालाइज कीजिए और बाय कीजिए इस स्टॉक को। ठीक है, यहाँ पर मैकडी में एक अच्छा ब्रेकआउट है। प्राइस मोमेंटम में देखेंगे तो यहाँ पर RSI भी बहुत बढ़िया हमारा ब्रेकआउट दे रहा है, साथ ही साथ चार्ट पैटर्न में एक बुलिश हैमर कैंडल बन रहा है यहाँ पर। आप देखेंगे तो हैरमी बुलिश कैंडल जिसे कहते हैं वो भी बन रहा है यहाँ पर, बुलिश स्विंग हो रही है हमारी, तो ये एक अच्छी खबर है। लगातार यहाँ पर अब 44 डे EMA पर चाहे चेक करेंगे इस स्टॉक को, चाहे आप देखेंगे कि जो EMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी एक अच्छा हमारा टर्नआउट देखने को मिलता है। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न हमारा ठीक ठाक देखने को मिलता है, टेक्निकल्स हमारे सुधर रहे हैं, फंडामेंटली कंपनी वैसे भी बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल वैल्यूएशन में मिल रही है हमें इस समय पर। तो क्या एक जो सवाल था सबसे पहला कि क्या बाय कर सकते हैं, तो बिल्कुल बाय कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं। चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को जरूर मिलता है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है कि 2 से 3 हफ्ते में अगर पैसा बनाना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक आपके लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, एक अच्छा स्टॉक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है,
बात करते हैं कि क्या यहाँ पर और क्या अच्छी चीजें हैं। तो देखो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी कोई रुकना चाहे यहाँ पर, यानी कि 3 महीना 4 महीना साल भर 2 साल 3 साल भी रुकना चाहे, पिछले दिनों एक इंटरव्यू छपा था निश्चल जी का, तो उसमें उन्होंने कहा कि SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ दिया जाए तो PSU में इतनी वैल्यू नहीं देखने को मिलती है। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम आया है यहाँ पर, बैंक ऑफ बड़ौदा में वैल्यू है, हालांकि मुझे लगता है केनरा बैंक भी एक अच्छा ऑप्शन है PSU में, बट स्टिल बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक अच्छा ऑप्शन हमारे सामने ये खुलता है। ठीक है, ये 2-3 बैंक ही है इस समय पर जो अपने बलबूते पर खड़े हैं। हालांकि अगर आप देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो लोन बुक है, जो बैलेंस शीट है इनकी, उसके अकॉर्डिंगली इस स्टॉक को अगर प्राइवेट सेक्टर में रख के देखा जाए तो ये स्टॉक प्राइस कम से कम 300 अबव का प्राइस डिजर्व करता है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक होता तो कम से कम 300 रुपए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा होता, इतनी ज्यादा वैल्यू इस स्टॉक में है इस समय पर। ठीक है, अब मान के चलिए अगर आप लोन बुक देखेंगे, इसकी लोन बुक देखिए, और आप किसी और प्राइवेट बैंक की लोन बुक देखें, चाहे वो एक्सिस बैंक हो हमारा, चाहे वो ICICI बैंक हो, काफी ज्यादा सिमिलैरिटी, काफी हेफ्टी लोन बुक बैंक ऑफ बड़ौदा की भी है सामने हमारे। और बहुत सारे लोग सरकारी बैंक को लेकर NPA की बात करते हैं। देखो, NPA हमारा प्राइवेट बैंक्स का भी कोई बहुत कम नहीं है, NPA उनका भी रहता है, बट ये है कि उनका जो लोन वसूलने का तरीका है वो काफी अलग होता है, काफी अजीब होता है, तो इसलिए उनका जो लोन वगैरह होता है वो जल्दी से हो जाता है, कवर हो जाता है, बट PSU का ऐसा नहीं हो पाता है। PSU में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इनका जो NPA रहता है वो RBI ही ठीक करके देती है लगभग। ठीक है, तो NPA से डरने वाली बात नहीं है, हमारी लोन बुक काफी हेफ्टी है, फंडामेंटल्स हमारे सुधर रहे हैं, डिलीवरी परसेंटेज 28% से ज्यादा की डिलीवरी परसेंटेज है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न पर भी अगर आप नजर डालोगे यहाँ पर, तो FIFPI ने अपनी शेयरहोल्डिंग बढ़ाई है 3.94% से 4.32% कर दिया है इस समय पर, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपनी शेयरहोल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज किया, जो मैंने अपनी आपको स्टार्टिंग में तो वीडियो बताया 15.3% से 15.61%, तो 15% से भी 16% के आसपास की शेयर होल्डिंग इनके पास है। 15.5% की भी शेयर होल्डिंग अगर आप मानोगे तो काफी बड़ी भारी शेयर होल्डिंग इनके पास है इस समय पर। ठीक है, और वही FIFPI के पास भी लगभग 5% के आसपास की शेयर होल्डिंग इनके पास रखी हुई है। तो यही एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ आपके पास ये पैसा स्टॉक नहीं है जिसमें आप लॉस में हो, ये स्टॉक काफी बढ़िया है जिसमें बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा है, और अगर उन लोगों ने पैसा लगाया है तो स्टॉक हमारा डाउनवर्ड नहीं जाएगा, यकीन कीजिए। और अगर आप यहाँ पर खरीदारी करते हो तो वैसे भी यहाँ पर आप ब्रेकआउट देखने को मिलता है, मार्केट में भी एक अच्छी रिकवरी है, और FIDII का डेटा भी देखोगे तो यहाँ पर भी एक बढ़िया डेटा उभर कर सामने आता है। पिछले 2 हफ्ते में 9,000 करोड़ का माल खरीदा है DIIs ने, और 1 हफ्ते में 5,600 करोड़ का माल खरीदा है DIIs ने अकेले ने। तो यहाँ पर लगभग लगातार खरीदारी हो रही है, बाजार में खरीदारी होगी तो रिकवरी आएगी, और रिकवरी आएगी तो उसका जो असर है वो बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी देखने को मिलेगा, और वही हो भी रहा है, लगातार यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद बन रही है। इसका जो नियर बाई रेजिस्टेंस जोन है हमारा, उसके करीब ये पहुंच चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टे ले सकता है शायद, मुझे लगता है 76 रुपए के आसपास, अगर हमारा 76 रुपए का जो एक रेजिस्टेंस जोन है ये अगर आने वाले बाजार में ब्रेक होता है तो ये स्टॉक हमारा आसानी से 79 रुपीज तक जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें, डाउन साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जो हमारा डाउन साइड का टारगेट या फिर हमारा सपोर्ट जोन बनता है वो है 71 रुपीज का। तो अगर स्टॉक में किसी वजह से गिरावट होती है, मार्केट हमारा दोबारा से क्रैश करता है या कोई बहुत ही बुरी खबर आ जाती है, तो 71 का ये सपोर्ट लेगा ही लेगा। ठीक है, इससे नीचे स्टॉक जाने की कोई उम्मीद नहीं है, हालांकि जिस तरह का ब्रेकआउट है स्टॉक हमारा जल्दी ही 76 को क्रॉस करता है, वो 79-80 तक पहुंचेगा। ठीक है, तो बाय कॉल है शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी। एक और बात थी यस सिक्योरिटीज की तरफ से जो खबर आई थी वो भी आप देख लीजिए, नई खबर है आज कल आई थी सुबह के समय पे, बाय बैंक ऑफ बड़ौदा टारगेट प्राइस अब 80 रुपीज का टारगेट दिया यस सिक्योरिटीज वालों ने, जो कि बहुत ही मिनिमम टारगेट है। मैं बता रहा हूँ आपको 75 का स्टॉक प्राइस है हमारा, अगर एक दिन बाजार रिकवरी में आता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक दिन में 80 रुपए प्राप्त कर लेगा, एक दिन में 80 रुपए क्रॉस करने की इसमें ताकत रखता है ये स्टॉक हमारा, इतना बढ़िया स्टॉक है हमारा ये। तो मे बी ये इंट्राडे का टारगेट देने की सोच रहे थे शायद ये, बट शॉर्ट टर्म का निकल गया इनके मुंह से, तो वो अलग बात हो जाती है हमारी। बट हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा टारगेट प्राइस अचीव करता है यहाँ पर आने वाले दिनों में, आप खरीदारी करके चलिए, बढ़िया इसका वैल्यूएशन है, बढ़िया इसका बैलेंस शीट है, बढ़िया इसका हेफ्टी लोन बुक है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स में सुधार हो चुका है, अब यहाँ पर स्टॉक हमारा तेजी से भागता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी यहाँ पर, जो आप मिनिमम अगर टारगेट लेकर चलना चाहते हो तो 80 रुपए का लेकर चल सकते हो, उससे थोड़ा सा ऊपर अगर आप टारगेट, मेरा टारगेट अगर आप पूछेंगे तो मैं 124 रुपीज के लिए यहाँ पर इस स्टॉक में रुका हुआ हूँ। ठीक है, तो 124 रुपए हमारा इस स्टॉक में 3 से 4 महीने में कम से कम अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा, 124 रुपए। ठीक है, ये टारगेट मेरा है, बाकी आपकी क्या राय है इस स्टॉक को लेकर के, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। एंड वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग
एंड प्लीज गो अहेड चेक दैट बुक आउट, काफी बढ़िया किताब है, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा उस किताब से, ठीक है।